नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो गुरुदेव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसके ऊपर शायद ही आपको बिलीव होगा, लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है और उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूंगा। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो मानव का विकास है वह बंदरों से हुआ है, और इंसान के बाद बंदर ही दूसरा समझदार जीव माना जाता है। तो दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं दक्षिण अफ्रीका की, और यह समय था 1877 की बात है। जेम्स वाइड नाम के एक रेलवे कर्मचारी ने एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे, और इस एक्सीडेंट से उबरने के बाद उन्होंने साउथ अफ्रीका के एक स्टेशन पर एक सिग्नल मैन के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। और नौकरी करने के 4 साल के बाद जेम्स की नज़र पड़ी एक लंगूर के ऊपर। उस लंगूर का नाम था जैक। डार्क ग्रे रंग का यह लंगूर साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हिस्सों में पाए जाते हैं उसकी प्रजातियाँ। तो वहाँ पर जो जैक जो लंगूर था वह बैलगाड़ी खींचने का काम कर रहा था। जेम्स की नज़र इस लंगूर पर पड़ी और उसने उसे फौरन खरीद लिया। शुरुआत में तो जेम्स ने जैक को ट्रॉली खींचने की ट्रेनिंग दी, लेकिन जेम्स को जल्दी ही इसका अंदाज़ा हो गया था कि जैक उसकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा स्मार्ट है और वह बहुत सारे काम भी कर सकता है। तो जेम्स ने उसे जल्द ही उसे कोल यार्ड की जो चाबियां थीं वह भी संभालने का मौका दे दिया, और इसके अलावा स्टेशन के बगीचे की जिम्मेदारी भी जैक के कंधों पर ही दे दी थी। तो जेम्स जैक को इशारा करने के लिए केवल 1 या 2 उंगलियों का ही इस्तेमाल किया करते थे, और इशारा मिलते ही जैक सही लीवर दबा देता था, और इसके बाद इस होशियार लंगूर को किसी भी तरह के आदेशों की या फिर निर्देशों की ज़रूरत नहीं थी। जैक हमेशा अपने मालिक की निगरानी में ही रहता था, लेकिन ये किसी उपलब्धि से कम नहीं है कि इस लंगूर ने अपने पूरे करियर के दौरान एक बार भी गलती नहीं की। जैक दरअसल चीज़ों को तेज़ी से सीखने की क्षमता रखता था। जैक अपने मालिक जेम्स के घर का भी ख्याल रखता था, वह उस घर की साफ सफाई पर भी पूरा ध्यान देता था, और पूरा का पूरा जो बाग है उसकी भी देखभाल करता था, कुएं से पानी भर के ले आता था। और जो लंगूर जैक है वह जल्दी ही रेलवे स्टेशन पर बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो गया। लोग अक्सर इस सिग्नल ऑपरेटर को काम को देख करके हैरान हो जाया करते थे, लेकिन जब एक महिला ने रेलवे प्रशासन को इस बारे में सूचित किया तो जैक और जेम्स दोनों को ही नौकरी से निकाल दिया गया। नौकरी से निकाले जाने वाले फैसले को जेम्स ने चुनौती दी, और इसके बाद एक सिस्टम मैनेजर ने जैक की क्षमताओं को परखते हुए उसे जॉब पर दोबारा से रख लिया और उसे फिट घोषित किया गया जॉब के लिए। जेम्स को अपनी नौकरी वापस मिल गई और जैक को भी दोबारा नौकरी पर रख लिया गया। इसी के साथ जैक दुनिया का पहला ऐसा लंगूर था जो रेलवे के लिए काम कर रहा था, और इस घटना के बाद से ही इस बंदर को जैक द सिग्नल मैन कहा जाने लगा। रेलवे प्रशासन के हर सदस्य को मालूम था कि जेम्स का एक असिस्टेंस भी है, पर कुछ लोग ही जानते थे कि ये असिस्टेंट इंसान ना होकर के एक बंदर है। जैक जेम्स के साथ करीब 9 सालों तक रहा, और इस दौरान उसने रेल रोड पर काम करने के दौरान कभी कोई गलती नहीं की, और सन 1890 में जैक की टीवी की वजह से मौत हो गई, और यहीं तक जैक और जेम्स का साथ साथ का सफ़र रहा। दोस्तों, इस बात को सुन के आपको अचंभा जरूर हुआ होगा कि एक सिग्नल मैन की जॉब एक लंगूर ने कैसे की, लेकिन यह एक सत्य कहानी है और आपको बिलीव करना ही होगा। कहानी सुन के आपको कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, और इसके अलावा कोई भी ऐसा सजेशन है जो कि आप हमें बता सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।